अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अरसलान एंड यू आर वाचिंग ऑलराउंडर जुगाड़। गाइस आज मेरे पास है ये यूनिटी की 12500 वाली मशीन है, यानी मॉडल नंबर है इसका 12500। ये गैस प्रेशर मशीन है, उसको हम रिपेयर करते हैं। इसका मसला मैं आपको चेक कराता हूँ क्या। ये देखें, ये सीरीज लगाया मैंने, हमेशा सीरीज पे चेक करना चाहिए। सीरीज लगा दिया, ये देखें देखें अभी ऑन हो गई। क्या मसला ये, कभी ऑन होती है कभी नहीं होती है। जिसकी है वो बेचारा बहुत परेशान है। देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बेचारा लाइट डिम हो गई है। कभी जल्दी कभी नहीं जाए। इसमें पंखे का डिमर लगा हुआ, तो पहले ऑन होता है फिर लो होता है। चलो इसको मैं खोलता हूँ, आपको बताता हूँ। चलो भाई सबसे पहले मशीन खोल लेता हूँ। मशीन खोलना, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। नट को हमेशा की तरह टेप में रख दूँ ताकि नट खो ना जाए। ठीक है, एक साइड हो गई, दूसरी साइड का नट खोलता हूँ। कुछ होते इस तरह के जिद्दी नट जो इनको घुमाओ घूमते रहते खुलते नहीं। इसका तरीका होता है कि यहाँ से इसको जोर दो, ये ना यहाँ उंगली फंसा के इसको जोर देते हैं, थोड़ा सा वायर की तरफ जोर दे के फिर इसको खोलो, फिर ये इजीली खुल जाएगा। ये देखें खुल गया। अच्छा चलो भाई, माशाल्लाह अंदर से है बहुत गंदी है मोटर। ये देखें इसके अंदर जुगाड़ हुआ हुआ है, जुगाड़ कैसा खानदानी हुआ हुआ कि जिसने बनाई है ना उसने पुराना सर्किट भी नहीं निकाला, इसी में से तारे निकाल के यहाँ पे डीमर पे लगा दिए। ये वाकई कोई होगा, मेरा भी बाप जो जुगाड़ में मास्टर होगा या तो हड़ाराम होगा। क्योंकि लाइट के लिए मेरा ख्याल उसने नहीं निकाली, क्योंकि लाइट उससे नहीं लगी होगी, नहीं लगने की होगी। चलो हम तो उसका पूरा इसी तरीके का सर्किट है मेरे पास, ये वाला ये लगाएंगे इसके अंदर, मसला तो इसका सर्किट का ही है। चलिए शुरू करते हैं। ये डीमर का कवर लगाया हुआ, इसमें नट खोल लिया, इसको भी संभाल के रखेंगे खोना जाएगा। ये निकाल लिया हमने, ठीक है। ये लाइट जो चिपकी हुई है ना, इसको पंच करेंगे थोड़ा निकल आएगी, निकल आए। ठीक है, देखिए किस तरह की वायरिंग हुई है। हम इसकी वायरिंग को करेंगे चेंज। तो ये इसके टाँके जो ना, ये मैं निकाल लेता हूँ, सारे टाँके निकाल लेने जो हमने सर्किट चेंज करना है। चार ही काम करते हैं, ये तो डीमर बनाने लगा हुआ, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको स्क्रैप करेंगे। नया जो है ना सर्किट, अब इसके अंदर लगानी है हमने तारे। सबसे पहले इसमें शोल्डर वायर लगा लेता हूँ। ये है मेरा शोल्डर वायर, शोल्डर वायर मुझे अच्छी वाली यूज़ करनी चाहिए वरना बिट ख़राब हो जाती है। एक यहाँ इसके चार पॉइंट जहाँ लगते हैं, देखो एक डीमर का ये वाला पॉइंट है, ये जो वॉल्यूम लगा हुआ ना इस पर, वॉल्यूम का पॉइंट है ना, एक ये वाला पॉइंट है इसमें, और ये एक ही प्रिंट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ दूसरा लाइट में जा रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक मेन की वायर लगेगी 220 की, एक मोटर की वायर लगेगी, और मोटर की दूसरी वायर यहाँ लगेगी 220 की, एक वायर यहाँ पे, एक यहाँ पे, मोटर की एक वायर इसी के साथ लगेगी, एक वायर यहाँ लगेगी। ठीक है, ये समझा दिया मैंने, बहुत आसान है। नहीं समझ आ लगाते वक्त तो वीडियो साथ चलाते हुए देख लेना, कोई मसला नहीं है। एक, दो, इसी के साथ तीन, इधर चार, ठीक है चार हो गया। यहाँ वायर्स हैं, इनके जो मुँह है ना इनको हम दोबारा छील लेते हैं, इसके तार छील लूँ ताकि ना ये टाँके सही लगे ना। एक इंची यूज़ करता हूँ, आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये वायर तो इसके सही है, दोनों सही हैं, तो इस पर तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, छीलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वायर के ऊपर भी पहले शोल्डर वायर लगा दो ताकि ये इजीली लग सके सर्किट में।
कैसे करेंगे, यहाँ रख के इसको टाका लगा देंगे। देखिए वायर पकड़ लिया, एक लग गया इंशाल्लाह दूसरा भी इजीली लग जाएगा। ये टांगा थोड़ा जानदार नहीं लगा है लेकिन काम हो जाएगा अपना, कोई इसका मसला नहीं है। ये वायर्स भी लगा लें, ये देखें ये कितना इजीली लग गया। ठीक है, दोनों तारे लग गई और इसमें अब मैं इसमें सीरीज लगा के आपको दिखाता हूँ। सीरीज लगा दी, ठीक है अब ये चालू है तो इसको यहाँ नीचे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, देखें इसकी लाइट जो है ना, अब इसकी लाइट के ऊपर नज़र रखना, ये ऑन हो गई। तो बिल्कुल नई मशीन की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल नई मशीन की तरह काम कर रहा है। हाँ चलो अब इसको इसकी फिटिंग करते हैं, फिटिंग के बाद आपको फाइनल चेकअप कराएंगे। पानी पट्टी निकाल दूंगा। अब फिटिंग कैसे करेंगे, ये देखो ये बल्ब को है ना, इसकी पहले इसमें देखो वॉल्यूम के ऊपर है ना एक ये पॉइंट दिया हुआ होता है, ये छोटा सा पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट है ना थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है तो फिटिंग में ना मसला करता है। जैसे इस पॉइंट को हम तोड़ देंगे प्लास से ही, किसी भी चीज़ से तोड़ सकते हो, मैंने प्लास से तोड़ दिया, ये टूट गया। अब देखो पॉइंट गायब हो गया, अब ये प्लेन हो गया, इसकी दो साइडें प्लेन हो गई, और ना एक तरफ से होता है ना थोड़ा सा यूँ टेढ़ा रहता है सर, सीधा नहीं लगता, अब सीधा हो गया। ये बल्ब इसी जगह पर आ गया, उसका नट लगा देंगे। अच्छा ये सर्किट पे भी डीमर का सर्किट का एक ही वॉल्यूम होता है, यानी एक साइज एक ही होता है दोनों का ना, तो एक ही नट दोनों पे लग जाता है। जो सर्किट बाहर से सर्किट लेते हैं ना नया, उसमें नट नहीं आते साथ में। ये देखो लग गया, अब मैं आपको इसका फाइनल चेकअप कराता हूँ। बस ये मोटर जो है ये देखें, ये अलग किस्म का पंप है, हर मशीन में अलग किस्म का पंप होता है, यानी किसी किसी में सेम होता है किसी में अलग अलग होता है, इसमें अलग किस्म का पंप है ना, ये थोड़ा है भी अच्छा क्योंकि ये जो है ना इसमें लीक का भी मसला नहीं आता है। और ये जो कंपनी है यूनिटी कंपनी, ये सबसे अच्छी सबसे महंगी कंपनी है आज के दौर में, इसकी मशीन 3,000 की है मेरे ख्याल में, 3-3.5 हज़ार के दरमियान है, तो ये जो है सबसे अच्छी मशीन। अभी ये देखो 12,500 G तो इसमें नहीं लिखा, वैसे 12,500 है ना ये, अब जो आती है ना वो 5,000 G की आती है, यानी इससे भी ज़्यादा, इससे डबल स्पीड खींचती है, यानी सेक्शन जो होता है उसका डबल होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कभी भी अगर मशीन लेनी हो ना तो एक ही बार लो, अच्छी चीज़ लो, ये यूनिटी वाली ले लो, जान छूट जाएगी। तो मैं इसको सीरीज लगाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन भी अच्छा है, सही हो गया। इसका कवर लगा देंगे, कवर भी दोनों का सेम ही लग जाता है, मशीन हो गया रेडी। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।